भारतीय अरबपति गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 10 दिनों में उनकी नेटवर्थ 52 अरब डॉलर तक गिर गई है और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट से खिसक कर अब वो 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका से भी उनके लिए बुरी खबर आई है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार को धड़ाम से नीचे लुढ़क गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह के शेयर सुनामी की तरह बह रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के डॉ जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से भी अडानी ग्रुप का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स ने अडानी एंटरप्राइज को शेयर से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि डॉ जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने अडानी एंटरप्राइज को बाहर करने का फैसला कंपनी के लगातार गिरते शेयरों की वजह से किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के शेयर में हेर फेर और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई दावे किए गए हैं, जिसके बाद तमाम आरोपों को लेकर इंडेक्स ने मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद कार्रवाई करते हुए कंपनी को हटाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को कंपनी को डॉ जोन से हटा दिया जाएगा। इसके बाद डॉ जोन्स इंडेक्स के अडानी एंटरप्राइज को बाहर निकालने के फैसले की खबर का सीधा असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया है। शेयर मार्केट में दिन का कारोबार शुरू होते ही इनमें जोरदार गिरावट आई और ये 35% तक टूट गए। खबर मिलने तक अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के स्टॉक्स 35% या यूं कह लीजिए 547.80 टूटकर 1017 हो गए हैं। इसके अलावा अडानी पावर में शुक्रवार को भी लोअर सर्किट लगा है और ये 5% फिसलकर 191.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस में भी लोअर सर्किट आज फिर लगा है और 1622.35 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका से पहले अपनी संपत्ति में गिरावट के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे गौतम अडानी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से भी बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को स्टॉक मार्केट के NSE ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी ASM के तहत रखने का बड़ा फैसला किया है। ये सेबी का कंपनियों की निगरानी करने का एक ऐसा तरीका है जो निवेशकों की रक्षा के लिए उठाया जाता है। अब अडानी की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट के चलते 3 कंपनियों को निगरानी में लिया गया है।